जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और ये देखिए यहाँ पे ना बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो ट्रैक्टर आ गया था हमारे घर में क्योंकि हमने यहाँ पे बोना है आज घास। तो बारिश के बाद तो बस ऐसा ही काम शुरू हो जाता है, और इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि मक्के का टाइम हो गया, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं हुई है कि हम मक्की बो दें, लेकिन थोड़ी सी हो गई थी तो घास तो बोना बनता ही है क्योंकि गर्मियाँ थी ना, तो हरा घास नहीं मिलता है पशुओं के लिए। तो हम हरा घास बो रहे हैं, और हम ही नहीं, हमारे गांव के ना सारे ही लोग जिन्होंने पशु रखे हुए हैं ना, वो सारे अब घास बो रहे हैं। और यहाँ पे हम बोएंगे चरी बाजरा। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ अपने गांव की जो असली ज़िंदगी है वो भी शेयर की जाए कि हम लोग कैसे, देखो अभी हम घास बो रहे हैं कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रैक्टर से ना हम लोगों ने यहाँ पे खुदाई कर दी है, और पतिदेव यहाँ पे देखो जो है वो चरी बाजरा ना उसके दाने फेंक रहे हैं ऐसे करके। तो कुछ ही दिनों में ना ये घास तैयार हो जाएगा हमारी भैंस के लिए, और हम और भी बहुत सारा घास जो बोते हैं, लेकिन जब बारिश होगी ना, मक्की बोएंगे ना, तब बोएंगे एक बहुत बड़ा खेत। फिलहाल तो हम इतना थोड़ा सा ही बोएंगे। और ये देखिए थोड़ी सी बारिश पड़ती है ना तो साथ में अदरक भी बो देते हैं क्योंकि अदरक और हल्दी का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे जो है ना पतिदेव अदरक के लिए जगह बना रहे हैं। ये देखो एक साइड में मेड़ सी बना दी है और दूसरी साइड हमने घास बो दिया, और इस साइड हम बोने वाले हैं अदरक। ये देखो ये अदरक का बीज रखा हुआ था हमने ना, तो आज के लिए इसको बोते हैं ना। ये देखो एकदम ताज़ा ताज़ा सब ताज़ा, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो ये अदरक का बीज हम लोगों ने रखा हुआ था ना, तो ये सुबह सुबह अभी इसको ना कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर हम इसको ना बोएंगे। तो बीज तो हम ऐसे ही रखते हैं, तो अभी अदरक बोने का टाइम शुरू हो गया है और एक थोड़ा सा भी ख़राब नहीं हुआ है। बहुत कम लोग जो हैं वो ऐसे रखते हैं, ज़मीन में रहने देते हैं, एक थोड़ा सा भी नहीं हुआ ख़राब है ना। ये टिप्स है, टिप्स बाय माय हस्बैंड, हेलो। ये देखिए इनका टिप्स, ये बड़े वाले जिम्मेदार हैं तो इनसे टिप्स लो कि किसी ने अगर अदरक रखना है ना तो ज़मीन में ही रखो, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये देखो अगर हम ऐसे निकाल के रखते हैं ना इसका बीज तो ख़राब हो जाता है। और मैं आपको ना मौसम दिखाती हूँ, ये देखो, हाँ वो देखो कितना बड़ा बड़ा निकला, और हवा देखो कितनी अच्छी, आज तो मौसम इतना अच्छा हो गया ना। ये देखो आम, और रात को बारिश हुई, तूफान भी बहुत ज़्यादा चला, नुकसान नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है, एकदम ठंडा सा। और अभी ना लोग सारे खेतों में हो गए होंगे शुरू, जिन्होंने अदरक बोना है, अरबी बोनी है और साथ में हल्दी, तो शुरू हो गया है अब ये काम, तो हम भी बोएंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले तो हम लोग बीज निकाल रहे हैं, और ये देखो आम, इस बार ना बहुत कम आम है लेकिन है सही। देखो मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है, और सारे ना अपने खेतों में होंगे, अभी शुरू हो गए होंगे, बारिश जो हो गई रात को ना। तो ये देखो ऐसा है यहाँ का मौसम, और ये देखो पीपल का पेड़ कैसे पत्ते ना। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है ये देखिए जिम्मेदार बंदे, लोग सोचते होने ना ये बंदा पटुगे ची लगी रहा है ना, लोग सोचते होने बंदा पटुगे ची लगी रहा। ये देखो यहाँ पे ना हमने सुबह क्या बोई थी, यहाँ पे चरी बाजरा। तो अभी ये देखो ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो मिट्टी की बनाई हुई है, क्या बोलते हैं इसको, चरी नहीं, ये मिट्टी वाला बनाएगा मेंड बीड। हाँ ये देखो, और यहाँ पे हम लोग बोएंगे अदरक, जिसको हम आदरा बोलते हैं, और ये हमारी हरी हरी मिर्चियाँ,
हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो अभी ना देखो, मैंने आपको दिखाया ना, पतिदेव आते ही यहाँ पे हो गए हैं शुरू, क्योंकि हम लोगों ने ना सुबह यहाँ पे ट्रैक्टर से बोया हुआ था चरी, भैंस के लिए घास। चरी सभी जानते हैं, गांव के तो जानते ही होंगे, चरी बोई हुई है। और यहाँ पे ना ये बना रहे हैं मेड़, मेड़ और हम इसको बोलते हैं बीड़। और वो देखो पीछे कौन आ रहा है यार, दीदी ये क्या? तो अभी हम लोग ना, अभी देखो वैष्णो माता का प्रसाद खाने वाले हैं। ये हूँ लेके आया हमने दोस्त है ये। वाह, ये देखो जी वैष्णो माता का प्रसाद दीदी दीदी लेके गए, तो आप लोग भी खा लीजिए। और अभी ना मैं आपको आम दिखाती हूँ, ऊपर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और आज मैं ना आम की एक और रेसिपी बनाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है। गुड़ डाल के बनाते हैं उसको हम लोग ना, चीनी डाल के बनाते हैं, लेकिन गुड़ डाल के बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी मेरा गला भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई हूँ। तो बहुत दिनों से ना मैंने आम का ये नहीं खाया। ये देखो प्रसाद, ये ना दीदी का जो बेटा है ना, उसका फ्रेंड गया होगा ना वहाँ पे वैष्णो माता, तो उन्होंने दिया प्रसाद। तो अभी मैं ना आम जो अब देखते हैं तोड़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और फिर बनाऊंगी मैं आम की आज ना एक नई सी रेसिपी, आपको भी दिखाऊंगी। और अभी ना पतिदेव लगे हुए हैं यहाँ पे खेत में। ये देखो यहाँ पे बहुत ही है चरी बाजरा और ये लगे हुए हैं। और मैं बना रही हूँ वीडियो, गौर से देखिए इस शख्स को। ये केवल सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में इन्होंने जाड़ी को हाथ में पकड़ा है, बाकी ये सारा काम ये देखिए सारा मैंने किया है। नहीं, ये सारा काम मैंने किया है। और आपको तो पता ही है कि मैं ही खेत में लगा रहता हूँ, ये तो बस वीडियो बनाने का काम है। ओहो हो, बहुत पसीना। ये देखो पी लिया मैंने, ये देखो यहाँ पे ना, ये क्या है? ये देखिए मैंने कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद होती है ये देखो, ये वाली खाद डालेंगे हम ना अदरक में। और ये क्या है? ये तो ऐसे रखा अदरक का बीज, तो ये देखो ये वाली खाद जो है ना वो डालेंगे हम लोग अभी अदरक में। और ये थोड़ा सा अदरक हमने ये रखा है, और बाकी का अदरक मैंने आपको दिखाया ना कि वो हमने निकाला था सुबह। तो अभी ना गर्म हो जाएगा, तो अभी ना वो ये खाद लेके आए हम लोग ना, आधी हमने बाहर रखी है। तो यहाँ पे बोने वाले हम आज अदरक। तो यहाँ पे ना हम लोग बो रहे हैं अदरक, और ये जो वीडियो है वो अगले दिन की है, क्योंकि उस दिन हमारा सारा काम नहीं हुआ था, थोड़ी सी जगह बनी थी, तो अगले दिन शाम की है, क्योंकि पतिदेव को फिर चले जाना था ड्यूटी और अपना काम भी होता है उनको, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही खेतों में काम करते हैं सुबह शाम। तो ये देखिए यहाँ पे ना अभी अदरक बोने की तैयारी हो रही है। तो ये रखा हुआ है अदरक जो सुबह निकाला था ना, ये देखो ये हमने, तो बहुत अच्छा है। अभी इसकी बिजाई होगी करेंगे अब मैं और पतिदेव दोनों इसकी बिजाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं बिजाई, और मौसम दिखाऊं आपको। तो ये देखो मौसम, आम के पेड़, ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना, बताना किस किस को अच्छे लगते हैं हरे हरे पेड़। और ये देखो यहाँ पे ना शाम का टाइम है ना, सूरज ढल रहा है यहाँ से, तो ठंडा मौसम हो गया ना, तब हम लोग कर रहे हैं काम, गर्मी में नहीं हो पाता काम। तो अभी चलिए कर लेते हैं हम इसकी बिजाई। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक बो रहे हैं, और हम ऐसे ही बोते हैं यहाँ पे। ये देखो ऐसे नाली से निकाल के ना, दोनों जो खाद है ना दिखाई आपको मैंने, वो वाली डाल देते हैं और ऐसे अदरक बोते हैं। तो मैं आपको ये नहीं दिखा रही कि आप भी ऐसे ही अदरक बो, लेकिन हम ऐसे करते हैं ना गाँव में, तो अच्छा लगता है दिखाना आप लोगों को। तो ये देखो अभी हमारा अदरक जो है वो
इस तरह बो दिया है। और ये देखो साथ साथ जो है वो पहले हमने जो गोबर वाली खाद होती है ना वो वाली डाली, और उसके बाद हम लोगों ने ये जो दूसरी खाद है ना वो वाली डाल दी। तो इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके ऊपर देखो अभी मिट्टी, ये देखो मिट्टी चढ़ा दी। तो इस तरह हम लोग अदरक बो देंगे सारे का सारा, और जब बारिश होगी ना तो फिर ये उग जाएगा। तो ये देखो फिर से हमने खाद डाल दी अदरक के ऊपर। और यहाँ पे देखो पतिदीप जो वो हल्दी बो रहे हैं, हल्दी हम दूसरी साइड बो रहे हैं। तो जैसे अदरक को बीजते हैं ना वैसे ही हल्दी को बीज देते हैं हम लोग। तो बताइएगा आपको कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि मैं गांव की प्यारी प्यारी सी वीडियो और आपके लिए लाती रहूं। और मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।